Good morning, children. Wishing you a very, very, very happy Diwali. एडवांस में हम आज दिवाली का सेलिब्रेशन करेंगे. उसमें क्या करेंगे? दिवाली के लिए प्रेयर करेंगे, उसके बाद दिवाली स्टोरी करेंगे और उसके बाद दिवाली क्रिएटिविटी करेंगे. ओके? सो मैं आपको ये वीडियो बना के भेज रही हूँ दिवाली हॉलीडेज आपको एंजॉय करने के लिए. ओके? सो फर्स्ट लिसन टू द प्रेयर वेरी वेरी केयरफुली. थोड़ा डिफरेंट प्रेयर है, शायद कोई बच्चों ने अपने घर में सुना भी होएगा और गाया भी होएगा, कोई बच्चों को आता भी होएगा. सो लेट्स स्टार्ट. शुभम करोति कल्याणा, शुभम करोति कल्याणा, आरोग्यम धन संपद, आरोग्यम धन संपद, शत्रु बुद्धि विनाशया, शत्रु बुद्धि विनाशया, दीपा ज्योति नमोस्तुते, दीपा ज्योति नमोस्तुते, दीपा ज्योति प्रारंभ, दीपा ज्योति पर ब्रह्म, दीपा ज्योति जनार्दन, दीपो हरातु मैं पापम, संध्या दीप नमोस्तुते, दीपो हरातु मैं पापनम, संध्या दीप नमोस्तुते. ओके, वील सिंग इट वन मोर टाइम. शुभम करोति कल्याण, आरोग्यम धन संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशया, दीपा ज्योति नमोस्तुते, दीपा ज्योति परा ब्रह्म, दीपा ज्योति जनार्दना, दीपा हरातु मैं पापमं, संध्या दीप नमोस्तुते. ओके, सो दिस इज द प्रेयर दैट यू ऑल नीड टू लर्न एंड सिंग इट. टेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू मी. ओके, आई विल डू वन मोर लास्ट टाइम. शुभम करोति कल्याण, आरोग्यम धन संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशया, दीपा ज्योति नमोस्तुते, दीपा ज्योति परा ब्रह्म, दीपा ज्योति जनार्दना, दीपा हरातु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते. ओके, सो दिस इज द प्रेयर. आफ्टर दिस नाउ आई विल शो यू वन स्टोरी. आई हैव दिस बुक. ओके, this book's name is Amma Tell Me About Diwali. So there are these kids, यहाँ पे बच्चे हैं जिसको जानना है दिवाली क्या होता है. Okay, it was as if the stars themselves came down to earth that night. The entire city was lit up with thousands and thousands of lights. Iska matlab kya hai? It was as if the stars themselves, matlab stars upar se, akash se niche aa gaye the on the earth wo raat ko. The entire city was lit up. The entire city matlab pura shahar light se jagmaga raha tha. With thousands and thousands of lights. It was Diwali, the festival of lights. Diwali ka dusra naam kya hai? Festival of lights. That Klaka had celebrated today. Oh, how much fun it all had been. A most wonderful, beautiful day. मतलब वो दिन, दिवाली का दिन बहुत मजा किया वो लोग ने. एंड इट वॉज वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल डे. कैन यू सी ऑल द लाइट्स ऑन दिस पेज? या ही'd वोकन अप फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड वोन न्यू क्लोथ्स विद जॉय. मतलब वो जब सुबह उठा वो बहुत खुश हुआ एंड ही वोर न्यू क्लोथ्स. हम दिवाली वाले दिन नए कपड़े पहनते हैं. अम्मा एंड डैडी हैड स्पॉइल्ड क्लका सो
गिविंग मैनी गिफ्ट्स टू दियर लिटिल बॉय. अब जो फादर और मदर थे और ये बच्चा है, बच्चे का नाम है क्लका. क्या है नाम? क्लका. सो द फादर एंड द मदर उनको उसको इतने सारे प्रेजेंट्स दिए दिवाली में कि वो बहुत बहुत खुश हुआ. फ्रेंड्स, अंकल्स, aunts एंड cousins streamed इन थ्रू द डे विद गुड wishes एंड cheer. मतलब फ्रेंड्स आए, अंकल आंटी आए और कजिन्स आए और सब लोग आके एक दूसरे को विश कर रहे थे. क्या विश कर रहे थे? हैप्पी दिवाली. यस, सो एवरीबडी वॉज गिविंग गुड विशेज. इन द इवनिंग ऑल द चिल्ड्रन हैड लिट अप द हाउस विद रोज ऑफ स्मॉल अर्दन ऑयल लैम्प्स कॉल्ड दियाज. हम दिवाली में क्या करते हैं? हम दिए जलाते हैं. ये दिख रहा है आपको दिया? वैसे ही बच्चों ने पूरे घर में, पूरे लॉबी में, सब जगह दिए जलाए थे. बिकॉज इट्स द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. देन टुगेदर दे ऑफर्ड देयर प्रेयर्स फॉर गुड फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ टू गणेशा, द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एंड टू लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ. फिर क्या किया? सब ने मिलके प्रेयर्स किया, मतलब भगवान का नाम लिया. फिर उन्होंने किसको प्रे किया? गणेशा को प्रे किया और लक्ष्मी देवी को प्रे किया. गणेशा, क्योंकि हम कुछ भी अच्छा काम चालू करते हैं उसके पहले हम गणेशा को हमेशा याद करते हैं, और लक्ष्मी बिकॉज गॉडेस ऑफ वेल्थ, शी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, मतलब उससे हमको हमेशा बहुत अच्छा वेल्थ मिलता है. ओके, गणेशा हैज एन एलिफेंट्स हेड. गणेशा के पास क्या है? एलिफेंट का सिर है. एंड ऑन हिज फीट हिज पेट माउस रेस्ट, मतलब उसका एक पेट माउस है जो उसके पैर के पास रहता है. ही ब्रिंग्स गुड लक, क्लियर्स ऑब्स्टिकल्स एंड इज वर्शिप्ड बिफोर एनी क्वेस्ट. मतलब गणेशा क्या करते हैं? वो कुछ भी ऑब्स्टिकल आते हैं, ऑब्स्टिकल मतलब कुछ भी कठिनाई आती है वो दूर करते हैं. एंड ही विशेस अस लक, मतलब हमको हमेशा गुड लक करते हैं. लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ सिट्स ऑन अ बिग लोटस फ्लावर. लक्ष्मी देवी कहाँ बैठते हैं? लोटस फ्लावर के ऊपर. शी हैज फोर हैंड्स टू ब्लेस अस विथ बेस्टाउ फॉर्च्यून एंड पावर. उनको कितने हाथ है? चार हाथ है, 1, 2, 3, 4, और हमको चारों हाथ से ब्लेसिंग्स देते हैं और बोलते हैं आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, एंड यू विल डू गुड इन योर लाइफ. Then it was time for firecrackers, sparklers making circles of light, wheels spinning wildly, pockets flying high, brightly burning flares. Oh, what a sight! यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब लोग? Firecrackers burst कर रहे हैं. लेकिन हम ये साल बिल्कुल कोई firecracker burst नहीं करेंगे. हम burst क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको हमारा एनवायरमेंट, जो हमारा सराउंडिंग है, उसको गंदा नहीं करना है. वी वॉन्ट टू कीप इट क्लीन. ओके, और ऑल्सो और क्या है? कोविड है. कोविड में क्या होता है? अगर फायर क्रैकर्स करेंगे तो वो गंदा जो हवा होता है, जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है फायर क्रैकर्स करके, वो सबके बॉडी के लंग्स को डैमेज करता है. जब वो लंग्स को डैमेज करता है तो कोरोना वायरस का और भी प्रॉब्लम, बीमारी बढ़ती जाएगी. हमको ये बीमारी बढ़ानी नहीं है, अभी कम करनी है. इसलिए हम ये साल फायर क्रैकर्स नहीं करेंगे. ओके, ऑल द चिल्ड्रन प्लीज कीप इन माइंड, नो फायर क्रैकर्स दिस ईयर. ओके, कोई भी फायर क्रैकर नहीं करेगा. कोई भी अगर आपको बोलेगा चलो फायर क्रैकर करने के लिए, आप उसको भी बोलिए no firecrackers this time. Okay, you all can play, you all can eat, you all can do whatever, but no firecrackers. Diye jala lo,
कंडिल बना लो, वो सब करो, लेकिन इस बार नो फायर क्रैकर्स एट ऑल. ओके. फाइनली इट वॉज द टाइम टू स्लीप, बट क्लका स्टिल चैटर्ड हैप्पीली. क्लाइंबिंग इन टू बेड ही सेड, अम्मा टेल मी अबाउट दिवाली. मतलब क्या हुआ, वो रात हो गई थी, सोने का टाइम भी हो गया था, लेकिन वो बोला नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे और दिवाली की स्टोरी सुननी है. तो वो अपनी मम्मी को बोल रहा था. दिवाली टेक्स इट्स नेम्स फ्रॉम दियाज, सेड अम्मा. अम्मा ने क्या बोला, दिवाली का नाम किससे आया है, दिया से आया है. जस्ट लाइक द वंस दैट यू लिट टुनाइट, जैसे आपने आज रात को सब जलाए थे. इट फॉल्स इन ऑटम एवरी ईयर ऑन अमावस्या. दिवाली कौन से दिन आती है, अमावस्या के दिन आती है. द न्यू मून डे एंड द मंथ्स डार्केस्ट नाइट, वो उस दिन न्यू मून डे होता है और उस सबसे अंधेरी वाली रात होती है. या नाउ दिवाली इज ऑल्सो वेरी स्पेशल एज इट मार्क्स फॉर मेनी इंडियंस द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर. बहुत लोग दिवाली के नेक्स्ट डे न्यू ईयर मानते हैं, तो इट इज अ न्यू ईयर फॉर मेनी मेनी पीपल इन इंडिया. सो स्पेशली हिंदूज के लिए वो न्यू ईयर है. ओके. सो दिवाली का नेक्स्ट डे होता है न्यू ईयर, अ टाइम टू लुक अहेड टू न्यू बिगनिंग्स एंड प्रे फॉर फॉर्च्यून एंड गुड चीयर. मतलब हम कुछ भी अच्छा काम शुरू करने के पहले दिवाली के न्यू ईयर पे शुरू कर सकते हैं. ओके. एंड इट्स फॉर्च्यून फॉर एंड गुड चीयर, मतलब हमको सब लोग अपने आप ही लक विश करेंगे, मतलब गुड लक विश करेंगे. बट व्हाई इज दिवाली नेम्ड आफ्टर दियास, दिवाली का नाम दियास के पीछे क्यों है, आस्क क्लका एवर एज क्यूरियस एज कैन बी. टू आंसर दैट सेड अम्मा एंड स्माइल, आई हैव टू टेल यू अबाउट राम एंड हिज स्टोरी. अब उसके आंसर के लिए राम की स्टोरी बोलनी पड़ेगी. राम वॉज द प्रिंस ऑफ अयोध्या, सन ऑफ किंग दशरथ एंड द ग्रेट. सो राम, हु वॉज राम, राम वॉज द प्रिंस ऑफ अयोध्या, मतलब वो अयोध्या का राजा था और उसके फादर का नाम था दशरथ. He was brave and kind and loved by all. Next in line to be king of the state. वो बहुत बहुत strong था और जब अगर उसके father को कुछ हो जाता तो वो खुद ही king बन जाता. Okay? So he was the next in line to become a king. But Kaikai, Ram's wicked stepmother, wanted her own son to be the king instead. बट कैकई, उसकी एक स्टेप मदर थी, उसका नाम था कैकई, उसको चाहिए था कि उसी का बेटा किंग बने. इसके लिए उसने क्या किया वो देखते हैं. शी थ्रू अ बिग टैंट्रम एंड डिमांडेड दैट राम बी बैनिश्ड फॉर 14 इयर्स अहेड. मतलब वो कुछ तो भी उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया और उसने डिमांड किया, उसने किसी को मतलब राजा दशरथ को बोला कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दीजिए. बैनिश्ड राम फॉर 14 इयर्स. पुअर किंग दशरथ वॉज हेल्पलेस, और दशरथ कुछ नहीं कर पा रहा था. फॉर व्हाइल ही वॉज स्वोन टू डू कैकई'स बिडिंग, हाउ कुड ही बैनिश हिज बिलव्ड सन राम. उसको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसका फेवरेट सन, सबसे फेवरेट चाइल्ड था राम, और उसको ही उसने वनवास में भेजने को बोला. फॉर 14 इयर्स टू फॉरेस्ट मोस्ट फॉरबिडन. ओके. सो उसको कहां भेजा, जंगल में भेजा. बट नोबल रामा न्यू व्हाट ही हैड टू डू. ही कंसोल्ड दशरथ दस व्हाइल वाइपिंग हिज टीयर्स टू अपहोल्ड अ प्रॉमिस मेड बाय माय ग्रेट फादर. Gladly will I go to the forest for 14 years.
बट क्या हुआ, राम ने ये सुना और राम को राजा दशरथ का मुंह नीचे नहीं करना था, तो इसके वजह से उसने माना और वो चुपचाप चला गया 14 साल के लिए वनवास। टेकिंग ऑफ हिज क्राउन, उसने अपना क्राउन निकाला। रामा लेफ्ट द किंगडम एट वंस, तुरंत निकल गया विद वाइफ सीता। किसके साथ गया वो? अपनी पत्नी सीता और अपना भाई लक्ष्मण के साथ। बाय हिज साइड ऑल ऑफ अयोध्या केम आउट टू बिड देम फेयरवेल। पूरा अयोध्या बाहर आया और उसको फेयरवेल दिया, मतलब उसको बाय बाय बोला। देयर वॉज नॉट वन पर्सन देयर हु वॉजंट टियरी आईड, मतलब सब जो भी वहां पे थे सबके आंख में पानी आ गया था। द प्रिंसेस सून मेड द फॉरेस्ट देयर होम एंड सेटल डाउन हैप्पीली इन देयर न्यू लाइफ, मतलब वो लोग बहुत जल्दी चले गए और फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट को ही अपना घर मानने लग गए। टिल रावण द टेन हेडेड डीमन किंग ऑफ लंका हियरिंग ऑफ सीताज ब्यूटी डिसाइडेड टू मेक हर हिज वाइफ। फिर उसके बाद क्या हुआ, रावण जो लंका का किंग था उसने सीता के बारे में सुना और बोला कि शी शुड बिकम माई वाइफ, मतलब उसको उसकी पत्नी बनानी थी। ईवल रावण किडनैप सीता फ्रॉम देयर होम वन डे वाइल राम एंड लक्ष्मण वर अवे। उसने क्या किया, रावण ने सीता को अपने घर में लेके गए, मतलब किडनैप करके अपने घर में लेके गए, एंड कभी लेके गए जब राम और लक्ष्मण नहीं थे। शॉक्ड टू फाइंड सीता गॉन अपॉन देयर रिटर्न द प्रिंसेस लुक्ड एवरीवेयर इन द अटर डिस्मे। जब वो घर आए राम और लक्ष्मण तो दे गॉट वेरी वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। देयर सर्च ब्रॉट देम टू किष्किंधा वेयर दे मेट द माइटी हनुमान। वो ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचे और उन्होंने वो किसको मिले वहां पे, हनुमान जी को मिले। सैडन टू हियर ऑफ सीताज किडनैपिंग ही प्रॉमिस्ड द हेल्प ऑफ हिज मंकी क्लैन, मतलब वो बहुत दुख हुआ उसको जब उसने सीता के बारे में सुना और उसने प्रॉमिस किया, उसने वादा दिया कि मेरा पूरा मंकी क्लैन मतलब उनका सब पूरा जो भी उनके साथ थे सब उसको उन दोनों को हेल्प करेंगे। एंड दस एन आर्मी ऑफ माइटी मंकी वॉरियर्स वॉज रेज्ड इन सपोर्ट ऑफ राम्स क्वेस्ट। ऑनवर्ड्स दे मार्च्ड टू लंका अनअफ्रेड, मतलब वो लंका के तरफ चलना शुरू किया। टिल सीता वॉज रेस्क्यूड दे स्वोर नॉट टू रेस्ट, मतलब जब तक सीता नहीं मिलती थी और अपने वापस नहीं आती थी उन्होंने कसम खाई कि वो लोग बिल्कुल आराम नहीं करेंगे। ऑन रीचिंग लंका दे फेस्ड द डीमन आर्मी एंड फॉट अ मोस्ट फियरसम वॉर, मतलब वो लंका पहुंचे और लंका का पूरा आर्मी के साथ वो लोग ने फाइट किया। People say that such a great battle had never been fought before. मतलब इस इतना बड़ा battle कभी पहले नहीं fight किया किसी ने भी नहीं लड़ा। Finally, Ram and Ravan came face to face in a fight that was fierce and heated. मतलब finally क्या हुआ? Ram और Ravan एक दूसरे को face to face मिले, मतलब आमने सामने मिले। एंड बहुत और बहुत बहुत जोरों से दोनों पक्ष ने लड़ाई करी। इविल रावण एंड हिज आर्मी वर डिफीटेड, और क्या हुआ, राम की आर्मी ने मतलब राम लक्ष्मण हनुमान जी सबने मिलके रावण को हरा दिया। सीता वॉज रिलीज्ड एंड रीयूनाइटेड विथ राम, मतलब सीता को छोड़ दिया और राम के साथ वो वापस मिल गई। द लविंग कपल वर टूगेदर एट लास्ट। इट वॉज
also the end of 14 years, and so the term of Ram's banishment had passed. मतलब जब दोनों जन मिल गए उसके बाद तभी 14 years जो 14 साल का वनवास था वो भी खत्म हो गया था और उनका वापस जाने का टाइम आ गया था. कैरिंग द थ्री ऑन हिज माइटी शोल्डर हनुमान फ्लू टू अयोध्या एंड दैट वेरी नाइट. मतलब हनुमान ने ये तीनों जन को, राम सीता और लक्ष्मण को, अपने शोल्डर पे रखा और डायरेक्ट अयोध्या लेके गए वही रात को. एज दे नियर द सिटी दे वर गाइडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ दियास गिविंग ऑफ गोल्डन लाइट. मतलब जैसे ही वो बाजू में पहुंचे अयोध्या के, बहुत सारे दिए वहां पे लगे हुए थे और उन्होंने दिखाया कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा. यू सी द पीपल ऑफ अयोध्या हैड नॉट फॉरगॉटन दैट द 14 इयर्स ऑफ राम्स एग्जाइल हैड पास्ड एंड सो दे हैड लिट अप दियास अक्रॉस द एंटायर सिटी टू वेलकम देयर राम टू अयोध्या एट लास्ट. मतलब उनको अयोध्या के सब जो भी लोग रहते थे उनको याद था कि अभी 14 साल हो गए और राम सीता और लक्ष्मण वापस आएंगे, इसीलिए वो लोग ने दिए जलाए थे और उनका वेलकम किया. सिंस देन ऑन दिवाली डे वी रिमेम्बर राम्स होम कमिंग बाय लाइटिंग दियास, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल एंड राम बिकमिंग द किंग ऑफ अयोध्या. मतलब उस दिन से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और उस दिन से हम ये भी सोचते हैं जो भी बुरा किया उसके ऊपर जो हम अच्छा करेंगे वो हमेशा जीत जाएगा. ओके एंड फिर कौन किंग बना अयोध्या का? राम किंग बन गया अयोध्या का. व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी अम्मा, सेड क्लका. I will surely light many more diyas next year. Lighting more diyas alone will not do, said Amma, as you will learn from the next story, my dear. Goddess Lakshmi comes to earth on this day of Diwali every year to bless Ram's true followers with fortune, prosperity and cheer. Matlab, wo bolta hai ki main hamesha hi diye bahut sare jalaunga. और उस दिन गॉडेस लक्ष्मी ओके कम्स टू ब्लेस राम्स ट्रू फॉलोअर्स विथ फॉर्च्यून एंड प्रॉस्पेरिटी. मतलब वो सब जो भी राम को फॉलो कर रहे थे उनको सबको वो ब्लेस करने आई विथ लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून. ओके फिर उसके बाद लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग्स के साथ हम दिवाली सेलिब्रेट करने लग गए. ओके सो ऑलवेज वर्क हार्ड, गिव योर बेस्ट टू व्हाट यू डू, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन आर द ओनली दियास दैट विल गाइड लक्ष्मी टू यू. मतलब ऑलवेज वर्क हार्ड, मतलब हमेशा अपना पूरा पूरा ध्यान दो काम करने में एंड वर्क हार्ड, मतलब बहुत अच्छे से काम करो. गिव योर बेस्ट टू व्हाट यू डू, सबसे अच्छा दो अपने काम को और ऑनेस्टी, कभी झूठ नहीं करना है, जो सच है वो ही करना है. और इज द ओनली दियास, मतलब वो ही आपको हमेशा लाइट करेगा एंड तक. ओके सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिवाली. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी ऑफ दिवाली. और ये साल आपको याद है अब किसी को भी फायर क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करना है. ओके यू ऑल विल मेक दियास, you all can make candles, you all can make lots of lovely rangolis and celebrate Diwali. Do not burst firecrackers. Okay? Now in your drawing books, after you all have finished this painting, on the next page you all will draw a rangoli. Okay? I am showing you how to draw. आप रंगोली ड्रॉ करेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे ड्रॉ करना है. ओके सो फर्स्ट वी आर टेकिंग अ प्लेट, सर्क्यूलर प्लेट, और उसका सर्कल लेंगे पूरा. ओके
ऐसे सर्कल लिया, उसके बाद एक और सर्कल करेंगे, ओके, सो ये ऐसे डिस्क जैसे लगेगा। नाउ विथ योर रूलर वील मेक अ स्क्वेयर इनसाइड। यू कैन टेक द मेजरमेंट, सो आई एम टेकिंग 3 सेंटीमीटर, सो आई विल टेक 3 सेंटीमीटर हियर ऑल्सो एंड 3 सेंटीमीटर हियर एंड 3 सेंटीमीटर हियर, बिकॉज स्क्वेयर ऑल द 4 साइड्स आर द सेम, स्क्वेयर के ऑल 4 साइड्स सेम होते हैं, ओके। उसके बाद आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल सो वी आर ड्रॉइंग ओनली विथ शेप्स। All 4 sides I'm drawing a triangle. So this is a triangle on all 4 sides. Now, on this side, I will draw a rectangle. I have a ready shape, but otherwise, you all can draw with your ruler. Okay? Understood? And उसके बाद in the center we can draw like a smiley face, so we can draw small circle for the eyes and a semicircle for the mouth, okay. Now around this can draw circles or you can draw square, whichever shape you want, okay. Thode distance pe circles draw karenge. Aap koi bhi object ke saath aise chote circles draw kar sakte ho, coin hai या कोई और चीज है आपके घर में जो सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो उसके साथ भी। डू नॉट बी इन अ हरी व्हाइल ड्रॉइंग, आराम से ड्रॉ करो, कोई जल्दी गिरी जल्दी मत करना। आप अपने घर में
घर के बाहर भी रंगोली ड्रॉ करके उसका फोटो खींच के आप मेरे को भेज सकते हो, बट ये बुक में करना ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज हाउ सिंपल डिज़ाइन रखी है. अब हम इसको पेंट करेंगे. ओके, यू ऑल हैव योर पेंट्स, यू ऑल विल पेंट इट. हम सबसे अंदर से चालू करेंगे सो दैट हमारा हाथ गंदा नहीं होएगा. सो आई एम कलरिंग द इनसाइड सर्कल फर्स्ट एज डार्क ब्लू. यू कैन टेक एनी कलर्स. बहुत ध्यान से पेंट करिए. ओके, हाउ योर रंगोली विल लुक लाइक वेन यू फिनिश पेंटिंग. मैंने ये जो कलर्स यूज करे आप सेम यूज कर सकते हैं, दूसरे यूज कर सकते हैं, कोई भी चलेगा. ये इतना पेंट होने के बाद जब सूख जाएगा, वंस इट इज ड्राइड, यू विल डू आउटलाइन विद अ ब्लैक फेल पेन. ब्लैक फेल पेन लेके आप आउटलाइन करेंगे. जहाँ पे आपने रूलर यूज किया है वहाँ पे आप रूलर यूज करके उसका लाइन बना दीजिए ऐसे. अभी मेरा पूरा तरीके से सूखा नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा ही आउटलाइन करके आपको दिखा देती हूँ एक बार. वंस इट इज ड्राइड यू विल टेक योर ब्लैक फेल पेन एंड डू द आउटलाइन. ओके, सो लाइक दिस यू विल डू द आउटलाइन ऑफ द होल रंगोली. आपने जो रंगोली घर में भी बनाई है, आपके घर के बाहर अगर रंगोली बनाई है तो आप उसका भी फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द रंगोली लुक्स लाइक. आई होप यू ऑल एंजॉय पेंटिंग योर रंगोली एंड मेक अ दिया और अ कंडल, वट एवर यू ऑल लाइक, एंड मेक रंगोली एंड एंजॉय दिवाली. ओके, हैप्पी दिवाली.